फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल, मैं सुलेखा। आज मैं आपको ये सुंदर सा तोरण बनाना बताऊंगी फ्रेंड्स। ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर लगता है बनने के बाद। ऐसे बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, ये देखिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस तोरण के लिए हमने यहाँ पर ये वाली तोरण पट्टी लिया है फ्रेंड्स। ये तोरण पट्टी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसे हमें कैसे बनाना है, तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख लें, इस तोरण पट्टी को बना लें। जितनी लंबी बनानी है उतनी लंबी से हमें बना लेना है। किनारा हमने इस तरह बनाया है, तीन चैन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, तीन चैन सिंगल क्रोशिया। इस पैटर्न से हमने ये किनारा बनाया है और इधर हमने सभी डबल क्रोशिया पर सिंगल क्रोशिया हमने बनाया है। तो चलिए अब तोरण बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले धागे में हमें नोट लगा लेनी है। कोई सा भी आप तोरण पट्टी ले सकते हैं, लेकिन किनारा हमें इस तरह बनाना है। हमें पहली लाइन को स्किप कर लेनी है, फिर यहाँ जो सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर हमें धागे को ज्वाइंट कर लेनी है। फिर जो स्पेस है यहाँ पे दो सिंगल क्रोशिया, फिर जो सिंगल क्रोशिया है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर स्पेस में दो सिंगल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया। इस तरह हमें 10 सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो हमने बनाया 1 2 3, 3 3 6, 1 7 8 9 10। हमने यहाँ पे 10 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया। 1 2 3 स्पेस का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। फिर हमें यहाँ पे 3 मोती को ऐड करनी है। धागे को हमें बिल्कुल टाइट रखनी है और 3 मोती हमें ऐड करनी है। अगर आप मोती ऐड ना करना चाहें तो यहाँ पर आप 5 चेन बना सकते हैं। हम धागे को हमें एकदम टाइट रखनी है, 1 2। या तो धागे में पहले से मोती पिरो लें और फिर 5 चेन बना के उसमें 3 मोती को ऐड कर लें। 3 मोती हमने ऐड कर लिया। फिर हमें यहाँ पर 1 2 2 स्पेस हमें स्किप करनी है और तीसरे स्पेस में हमें बनानी है यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया। फिर 3 चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर उसी स्पेस में हमें बनानी है 3 डबल क्रोशिया। और टोटल हमने यहाँ पे 1 2 3 3 6 9 9 डबल क्रोशिया हमने बनाया एक ही स्पेस में। अब बीच में हमने 3 3 चैन बनाया, ये देखिए 1 2 3। फिर हमें दूसरी तरफ भी हमें यहाँ पे ऐड करनी है 3 मोती। अगर आपको लगे कि लूज हो रही है तो आप 2 मोती भी ऐड कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे 3 मोती ऐड कर लिया। फिर हमें यहाँ पे 2 स्पेस को स्किप करनी है और जो सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे 10 सिंगल क्रोशिया बनाया, यहाँ पे हमें 16 सिंगल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5 स्पेस में हमें बनानी है टोटल 16 सिंगल क्रोशिया। 3 हमने यहाँ बना लिया, 3 4 5 6 7 8। हर स्पेस में 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है और सिंगल क्रोशिया पे सिंगल क्रोशिया बनानी है। 9 10 11 12 13 14 15 16। हमने यहाँ पर 5 स्पेस लिया है, ये देखिए 1 2 3 4 5। फिर हमें यहाँ पे फिर सेम प्रोसेस, 3 मोती ऐड कर लेनी है। ये हमने 3 मोती ऐड कर लिया। फिर हमें यहाँ पर 2 स्पेस को स्किप करनी है और तीसरे स्पेस पे फिर सेम प्रोसेस, 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया। उसी स्पेस में हमें बनानी है 3 टाइम।
ये देखिए, फिर तीन मोती ऐड करनी है, फिर जिस तरह हमने यहाँ पर बनाया है उसी तरह हमें यहाँ पे भी बना लेनी है। इसी प्रोसेस से हमें ये पूरी लाइन को हमें कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, ये पूरी लाइन हमने कंप्लीट कर ली है सेम प्रोसेस से। जिस तरह हमने यहाँ स्टार्टिंग में 10 सिंगल क्रोशिया बनाया था उसी तरह हमें एंडिंग में भी 10 सिंगल क्रोशिया हमने बनाया और लास्ट की एक लाइन हमें स्किप कर लेनी है। ये देखिए, फिर हमें यहाँ पर लिक चैन, फिर से हमें टर्न करना है, फिर हमें सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ एक नौ, एक हमें स्किप करनी है। दसवीं वाली हमें स्किप करनी है, यहाँ टोटल हमें 9 बनानी है। फिर तीन मोती हमें ऐड कर लेनी है। ये हमने यहाँ पे तीन मोती ऐड कर लिया, फिर हमें यहाँ पे लूप को बड़ा करना है और फिर इधर से घुमा के हमें लूप को लेनी है। तो इस तरह क्या होगी फ्रेंड्स कि ये जो धागा है वो पीछे तरफ ही रहेगी। तो फिर इस तरह हमने कर लिया। फिर हमें यहाँ पर जो स्पेस है ये देखिए, यहाँ पर हमें बनानी है तीन डबल क्रोशिया, एक दो तीन, फिर तीन चैन, फिर उसी स्पेस में तीन डबल क्रोशिया, तीन, फिर हम बनानी है तीन चैन, फिर जो हमारा दूसरा स्पेस है अब हमें यहाँ पे बनानी है तीन डबल क्रोशिया, फिर तीन चैन, फिर उसी स्पेस में तीन डबल क्रोशिया। ये देखिए, दोनों स्पेस में हमने बनाया है तीन डबल क्रोशिया, तीन चैन, तीन डबल क्रोशिया, फिर तीन चैन बनाया, फिर दूसरी स्पेस में हमने बनाया सेम प्रोसेस से। फिर हमें यहाँ पर भी तीन मोती हमें ऐड कर लेनी है। ये हमने तीन मोती ऐड कर लिया, फिर लूप को हमें धागे के इधर से लेनी है। ये देखिए, फिर हमें यहाँ पर 16 सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था तो एक हमें स्किप करनी है दोनों तरफ, इधर की और इधर की भी एक एक सिंगल क्रोशिया हमें स्किप करनी है। टोटल हमें यहाँ पे 14 बनानी है। तो पहले हमने स्किप कर लिया, फिर दूसरी पे बनानी है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह 13 14, ये हमने एक स्किप कर लिया दोनों तरफ। फिर हमें यहाँ पर पांच मोती ऐड करनी है और फिर हमें यहाँ पर स्पेस में जिस तरह हमने यहाँ पर बनाया है उसी तरह हमें यहाँ पर भी बना लेनी है। तो इसी तरह हमें ये पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेनी है फ्रेंड इसी प्रोसेस से। ये देखिए फ्रेंड, सेम प्रोसेस से हमने लाइन कंप्लीट कर लिया है। फिर यहाँ पर भी हमने यहाँ पे टर्न करके पिछली लाइन में हमने 9 बनाया था, इस लाइन में हमें 8 बनानी है, एक हमें घटते हुए बनानी है। फिर हमने यहाँ पे तीन मोती ऐड कर लिया। फिर हमें यहाँ पे जो हमारा स्पेस है यहाँ पे हमें लूप को टर्न नहीं करना है, यहाँ पर हमें सीधे ही लेनी है। फिर हमें यहाँ पर जो स्पेस है यहाँ पर हमें तीन डबल क्रोशिया, जिस तरह हमने नीचे बनाया है उसी तरह ऊपर भी बनानी है, तीन डबल क्रोशिया, तीन चैन और तीन डबल क्रोशिया। ये हमने यहाँ पे बना लिया सेम प्रोसेस से, तीन डबल क्रोशिया, तीन चैन, तीन डबल क्रोशिया। फिर हमें यहाँ पे बनानी है एक चैन, एक चैन हमने बना लिया। फिर जो हमने यहाँ पर तीन चैन बनाया था जो हमारी दूसरी चैन है, एक दो, दूसरी चैन पर हमें बनानी है दो डबल क्रोशिया, एक उसी चैन पर दो, फिर तीन चैन, फिर उसी चैन पर हमें दो डबल क्रोशिया हमें और बनानी है। ये देखिए, फिर हमें बनानी है एक चैन, फिर यहाँ पे हमें एक चैन बनानी है और फिर यहाँ पे हमें फिर तीन डबल क्रोशिया, तीन चैन और फिर तीन डबल क्रोशिया हमें बनानी है। ये हमने यहाँ पे बना लिया। फिर हमें तीन मोती ऐड करनी है और फिर हमें यहाँ पे 12 सिंगल क्रोशिया हमें बनानी है। पहली और लास्ट सिंगल क्रोशिया हमें स्किप करनी है और बीच में हमें 12
सिंगल क्रोशे बनानी है। तो इसी प्रोसेस से हमें ये पूरी लाइन को हमें कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए यहाँ और यहाँ पे हमें एक एक चैन बनानी है दोनों कॉर्नर पर, इसके बाद भी एक चैन, इसके पहले एक चैन। तो इसी प्रोसेस से हमें ये पूरी लाइन को हमें कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, ये तीसरी लाइन हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। चौथी लाइन हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। एक सिंगल क्रोशिया घटा के हमने यहाँ पे बनाया है 7 सिंगल क्रोशिया, फिर 3 मोती हमने ऐड किया, फिर सेम प्रोसेस से इसके ऊपर हमने बना लिया है। फिर हमें यहाँ पे बनानी है एक चैन। फिर ये जो हमने यहाँ पे पिछले लाइन में 2 डबल क्रोशिया बनाया था, इन दोनों के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनानी है। ये हमने 2 बना लिया। फिर जो हमारा 3 चैन है यहाँ पे बनानी है, फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 का हमें 4 करना है, तो 2 इनके ऊपर एक एक, और जो स्पेस है यहाँ पे 2, फिर 3 चैन, 1 2 3 चैन। फिर इसी स्पेस में 2 डबल क्रोशिया हमें और बनानी है, और फिर जो दूसरी तरफ हमारी 2 डबल क्रोशिया है, इन दोनों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। एक ये हमने दोनों के ऊपर बना लिया, 4 इधर हमने बनाया, 4 इधर हमने डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चैन। फिर सेम इसके ऊपर हमें बना लेनी है 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन और 3 डबल क्रोशिया। ये हमने यहाँ पर सेम प्रोसेस से बना लिया, फिर 3 मोती हमने ऐड कर लिया। फिर हमें यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया स्कीप करनी है, फिर उसकी अगली सिंगल क्रोशिया में हमें फिर सिंगल क्रोशिया बनानी है। स्टार्टिंग और एंडिंग की एक एक सिंगल क्रोशिया हमें स्कीप करनी है, और बीच में हमारी जितनी है सभी हमें बना लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सिंगल क्रोशिया में बनानी है। ये हमने यहाँ पर बना लिया। फिर हम यहाँ पर 3 मोती ऐड करनी है। ये हमने यहाँ पर 3 मोती ऐड कर लिया। फिर हमें यहाँ पे सेम प्रोसेस इसके ऊपर हमें बना लेनी है। ये हमने यहाँ पे बना लिया, फिर एक चैन। फिर हमें यहाँ पे ये जो 2 डबल क्रोशिया है, इन दोनों के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनानी है। फिर जो हमारा बीच का स्पेस है यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर उसी स्पेस में 2 डबल क्रोशिया हमें और बनानी है। फिर हमें यहाँ पे इन दोनों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया हमें बनानी है, फिर एक चैन, फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन और 3 डबल क्रोशिया हमें बनानी है। फिर 3 मोती हमें ऐड कर लेनी है। फिर बीच में हमें यहाँ पे पहली वाली और लास्ट वाली सिंगल क्रोशिया स्किप करनी है, और बीच में हमें 10 सिंगल क्रोशिया हमें बनानी है, जिस तरह हमने यहाँ पर बनाया। तो इसी प्रोसेस से हमें ये पूरी लाइन को कम्प्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, ये लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फिर हमने यहाँ पर टर्न किया, फिर हमने यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशिया हमने बनाया है, फिर 3 मोती ऐड किया, फिर सेम प्रोसेस से इसके ऊपर हमने बना लिया है। फिर हमें यहाँ पर बनानी है, फिर हमें यहाँ पर बनानी है 5 चैन, 1 2 3 4 5, ये हमने 5 चैन बना लिया। फिर हमें ये जो हमारा 3 चैन जो हमने बनाया था, डायरेक्ट हमें यहाँ पे आनी है। फिर बनानी यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया। फिर बनानी हमें 5 चैन। फिर जो दूसरी तरफ है यहाँ पर हमें सेम बनानी है, 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन, 3 डबल क्रोशिया। ये हमने यहाँ पे बना लिया। फिर हमें 3 मोती ऐड करनी है। ये हमने यहाँ पे 3 मोती ऐड कर लिया। फिर हमें
पहली और लास्ट वाली सिंगल क्रोशिया स्किप करनी है और बीच में हमें 8 सिंगल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमने 8 सिंगल क्रोशिया बना लिया। ये हमने यहाँ पे 8 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिए। फिर 3 मोती हमें ऐड कर लेनी है। ये हमने यहाँ पे 3 मोती ऐड कर लिया। फिर सेम प्रोसेस से हमने इसके ऊपर बना लिया है। फिर हमें यहाँ पे बनानी है 5 चैन, 1 2 3 4 5। फिर हमें डायरेक्ट यहाँ पे आनी है, 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन और 3 डबल क्रोशिया हमें बनानी है। इसी स्पेस में तीसरी डबल क्रोशिया हमें और बनानी है, 1 2 3, फिर 5 चैन 5। फिर यहाँ पे हमें सेम प्रोसेसेस के ऊपर बना लेनी है। फिर 3 मोती हमें ऐड कर लेनी है। फिर हमें यहाँ पे 8 सिंगल क्रोशिया हमें बना लेनी है, जिस तरह हमने यहाँ पर बनाया है। तो इसी प्रोसेस से हमें ये पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, ये लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमने यहाँ पर 6 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया। फिर हमें यहाँ पर 1 चैन बनानी है, फिर इसे टर्न करना है और इस लाइन में हमें 4 सिंगल क्रोशिया बनानी है, 1 2 3 4। यहाँ पे हमें 2 सिंगल क्रोशिया को स्किप करनी है। फिर 3 मोती हमें ऐड कर लेनी है। ये हमने यहाँ पे 3 मोती ऐड कर लिया। फिर हमें यहाँ पे सेम प्रोसेस से इसके ऊपर हमें बना लेनी है, 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन, 3 डबल क्रोशिया। फिर हमें यहाँ पे बनानी है 5 चैन, 1 2 3 4 5। फिर इन तीनों डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया हमें बनानी है, 1 2 3। फिर जो हमारा स्पेस है, जो चैन हमने बनाया था, यहाँ पर हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2 3। फिर हमें यहाँ पर बनानी है 3 चैन, 1 2 3। फिर उसी स्पेस में हमें 3 डबल क्रोशिया हमें और बनानी है, 1 2 3। फिर जो 3 डबल क्रोशिया है, इन तीनों के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। 3 का हमें 6 बनानी है। ये देखिए, इन तीनों के ऊपर हमने बनाया और फिर बीच में हमने 3 बनाया, यहाँ पे 3 चैन। फिर हमें 5 चैन बनानी है, 1 2 3 4 5। फिर दूसरी तरफ भी हमें 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन, 3 डबल क्रोशिया बना लेनी है और 3 मोती हमें ऐड कर लेनी है। ये हमने यहाँ पर बना लिया, 3 मोती हमने ऐड कर लिया। फिर हमें यहाँ पर बनानी है पहली और लास्ट वाली स्किप करनी है। यहाँ पे हमें 6 सिंगल क्रोशिया बनानी है, 1 2 3 4 5 6। ये हमने 6 सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर हमें यहाँ पर 3 मोती ऐड कर लेनी है। फिर यहाँ पर सेम प्रोसेस से इसके ऊपर हमें बना लेनी है। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर बना लिया। फिर हमें यहाँ पर बनानी है 5 चैन, 1 2 3 4 5। फिर हमें यहाँ पे आनी है मिडल में, 3 तीनों डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2 3। फिर जो हमारा स्पेस है, 3 चैन जो बनाया था, यहाँ पर हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। फिर 3 चैन, फिर उसी स्पेस में 3 डबल क्रोशिया हमें और बनानी है। फिर जो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया है, इन तीनों के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनानी है। 3 का हमें 6 बनाना है। फिर 5 चैन। फिर दूसरी तरफ भी हम यहाँ पे इसके ऊपर सेम तरीके से हमें बना लेनी है। फिर 3 मोती हमें ऐड कर लेनी है। फिर हमें यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशिया हमें बना लेनी है। तो इसी प्रोसेस से हमें ये पूरी लाइन को हमें, ये देखिए, कंप्लीट कर लेनी है, सेम प्रोसेस। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर हमने 2 टाइम सिंगल क्रोशिया हमने बनाया, फिर एक चैन बना के धागे को हमें कट कर लेना है। फिर हमें स्टार्टिंग में आनी है। फिर जो हमारा सेकंड कलर है,
हमें वो लेनी है। धागे में हमें नोट लगा लेनी है। फिर हमें यहाँ से ये देखिए यहाँ पर इसे हमें जॉइंट करनी है, जो हमने एक लाइन छोड़ा था वहाँ पे। फिर हमें बनानी है 1 2 3 चैन, यहाँ पे फिर जॉइंट कर लेनी है सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ पे समीप पे सिंगल क्रोशिया बनानी है, ये देखिए। नहीं, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लिया, ये देखिए। फिर हमें यहाँ पे 2 बनानी है, पिछले हमने 4 बनाया था, इस लाइन में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है, 2 हमें स्किप करनी है। फिर हमें यहाँ पे बनानी है, फिर हमें यहाँ पे 3 मोती ऐड करनी है हमें। ये हमने यहाँ पे 3 मोती ऐड कर लिया। फिर जो हमारी पहली डबल क्रोशिया है यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेनी है, ये देखिए। फिर हमें डायरेक्ट स्पेस में आनी है, स्पेस में आनी है। फिर हमें यहाँ पर बनानी है डबल क्रोशिया, 1 2 दो डबल क्रोशिया हमने बना लिया। फिर बनानी है हमें 1 2 3 चार चैन। फिर यहाँ पर जो दो डबल क्रोशिया बनाया था हमने, ये देखिए, उसके बीच में हमें हुक को डालनी है और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, ये देखिए। फिर हमें बनानी है 2 डबल क्रोशिया, 1 2। फिर बनानी है हमें 4 चैन, 3 4। फिर ये देखिए डबल क्रोशिया के पहले 2 डबल क्रोशिया हमने बनाया, ये जो डबल क्रोशिया के बाद स्पेस है वहाँ पे हमें बनानी है सिंगल क्रोशिया, ये देखिए। फिर हमें बनानी है 2 डबल क्रोशिया, 1 2। फिर 4 चैन, 1 2 3 4। फिर पीछे साइड से हमें पीछे वाली जो है इधर से हमें फिर बनानी है सिंगल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह हमें 5 टाइम बनानी है, तो 1 2 3 टाइम बन चुकी है, 2 टाइम हमें और बनानी है। 2 डबल क्रोशिया, फिर 4 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो स्पेस है हमें यहाँ पे हुक को डालनी है और सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4। फिर 2 डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। फिर 4 चैन, फिर पीछे जो 2 डबल क्रोशिया के बीच पे जो स्पेस है यहाँ पे हमें हुक को डालना है सिंगल क्रोशिया। फिर 1 डबल क्रोशिया, यहाँ पे हमने 11 डबल क्रोशिया बनाया, ये देखिए। फिर हमें यहाँ पे बनानी है 7 चैन्स, 1 2 3 4 5 6 7। फिर डायरेक्ट हमें स्पेस में आनी है, बीच वाले स्पेस में। फिर हमें यहाँ भी 2 डबल क्रोशिया हमें बनानी है, सेम प्रोसेस। यहाँ पे हमने 5 टाइम ये डिज़ाइन बनाया था, 1 2 3 4 5 टाइम, यहाँ पर हमें 6 टाइम बनानी है। फिर 4 चैन, 1 2 3 4, पीछे बैक करके हमें 2 डबल क्रोशिया के बीच का जो स्पेस है यहाँ पर हमें हुक को डालनी है और सिंगल क्रोशिया। फिर 2 डबल क्रोशिया बनानी है, फिर 4 चैन, सिंगल क्रोशिया से पीछे साइड में। तो इस तरह हमें 6 टाइम बना लेनी है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 टाइम हमने बना लिया। फिर लास्ट में हमें 1 डबल क्रोशिया बनानी है। फिर हमें बनानी है 7 चैन्स, 1 2 3 4 5 6 7। फिर यहाँ पर भी हमें बनानी है, जिस तरह हमने यहाँ पर बनाया 5 टाइम, उसी तरह हमें यहाँ पर भी बना लेनी है। ये हमने यहाँ पे बना लिया। फिर हमें डायरेक्ट यहाँ पे जो लास्ट डबल क्रोशिया है यहाँ पे आके हमें सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेनी है, ये देखिए। फिर हमें यहाँ पे 3 मोती को ऐड कर लेना है, ये हमने यहाँ पे 3 मोती ऐड कर लिया। फिर हमें यहाँ पे 2 स्किप करनी है, 1 2 3 4 5 6, 2 स्किप करनी है। उसके बाद फिर हमें बनानी है सिंगल क्रोशिया, फिर 4 चैन,
चार, और यहाँ पे हमें बनानी है सिंगल, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर अगले वाले में फिर एक सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, फिर तीन मोती हमें ऐड कर लेनी है। ये हमने यहाँ पे तीन मोती ऐड कर लिया है। फिर हमें यहाँ पे जो पहले डबल क्रोशिया है, यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बना से ज्वाइंट करना है। फिर हमें डायरेक्ट स्पेस में आनी है, यहाँ पे बनानी है डबल क्रोशिया, एक दो, फिर चार चैन, फिर पीछे की तरफ दो डबल क्रोशिया के जो स्पेस है यहाँ पे हुक को डालनी है, सिंगल क्रोशिया, फिर हमें दो डबल क्रोशिया बनानी है, एक दो, फिर चार चैन, एक दो तीन चार, फिर पीछे की तरफ जो डबल क्रोशिया है का स्पेस वहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है, फिर दो डबल क्रोशिया जिस तरह हमने यहाँ पे बनाया है, ये देखिए पांच टाइम, उसी तरह हमें यहाँ पे भी बना लेनी है पांच टाइम। ये हमने यहाँ पे बना लिया, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया हमें बना लेनी है, फिर सेवन चैन, एक दो तीन चार पाँच छः सात, फिर हमें स्पेस में आनी है डायरेक्ट, फिर हमें सेम प्रोसेस से हमें बनानी है, यहाँ पे हमें सिक्स टाइम बनानी है, दोनों कॉर्नर पे पांच टाइम और बीच वाले में सिक्स टाइम हमें बनानी है। तो इसी तरह हमें ये कंप्लीट कर लेनी है पूरी लाइन को, ये लास्ट लाइन है हमारी, हमें यहाँ कॉर्नर तक हमें बना लेना है। फिर जिस तरह हमने यहाँ पे कॉर्नर पे बनाया है दो सिंगल क्रोशिया, उधर भी दो सिंगल क्रोशिया बना लेनी है, और फिर इस कॉर्नर पे हमें सभी पे सिंगल क्रोशिया, और यहाँ हमें आके फिनिश कर लेनी है, फिर एक चेन बना के धागे को हमें कट कर लेना है। तो इस लाइन को हमें कंप्लीट कर लेनी है, ये हमारी लास्ट लाइन है फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड्स, ये तोरण बन के हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। हमने यहाँ पे एंड तक बना लिया, फिर एक चेन बना के धागे को हमें कट कर लेना है। ये तोरण बन के हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। फिर हमने यहाँ पे नीचे झालर लगाया है, आप पॉम पॉम भी लगा सकते हैं। ये देखिए, ये बनकर बिल्कुल हमारा तैयार हो चुका है और बहुत ही सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स बनने के बाद। कलर आप कोई सा भी ले सकते हैं ऊन का, जिस कलर से आपको बनाना हो उस कलर से आप इसे बना सकते हैं। ऐसे बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। ये देखिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स, तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। न्यू व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें फ्रेंड्स, कि हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, जिससे हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।